वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दिवाली पर भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए। आज का ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पूजा करने के लिए एक स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए और वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कने के बाद एक चौकी रखकर उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और चौकी को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखिए या फिर आप इसे घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए और ध्यान रखिए जहाँ पर आपने भगवान श्री गणेश को स्थापित किया है तो भगवान श्री गणेश के सीधे हाथ पर मतलब कि राइट हैंड पर आपको माँ लक्ष्मी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा की सभी तैयारियाँ कर ली हैं, तो मैंने यहाँ पर दीपक हैं उनको तैयार किया है। और पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए एक बार मैं आपको कैमरा पास कर दिखा देती हूँ। तो हमें चाहिए दक्षिणा, रोली, चावल, फल, वस्त्र। यहाँ पर मैंने पीले और लाल रंग के वस्त्र लिए हैं, ये भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए हैं। और उसके बाद हमें चाहिए पूजा के लिए पान, ये मीठे लगे हुए पान हैं। और उसके बाद हमें चाहिए पूजा के लिए मिठाई, तो मैंने यहाँ पर बेसन का लड्डू और बर्फी ली है भोग लगाने के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए दूध खास, जनेऊ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये गोमती चक्र, कमल गट्टा और कौड़ी, ये सब हम पूजा में चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एक एक पीस लिया है, आप चाहें तो इन सब का दो दो पीस या फिर पाँच पाँच पीस पूजा में रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं फूल माला, जल, खील और खिलौना और एक घी का दीपक, धूप बत्ती और एक चांदी का सिक्का और एक छोटा सा अलग से सरसों का तेल का दिया। और अब हम पूजन करना स्टार्ट करेंगे। तो पूजन करने से पहले सबसे पहले हम दीप और धूप दोनों को प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम आचमनी में जल लेकर भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के ऊपर थोड़ा सा छिड़केंगे। और उसके बाद हम रोली का तिलक भगवान श्री गणेश को लगाएंगे, थोड़े से चावल लगाएंगे और उसके बाद हम वस्त्र भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे। तो भगवान श्री गणेश को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करेंगे और उसके बाद हम फूल माला भगवान श्री गणेश को पहनाएंगे। और उसके बाद हम फल भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे और उसके बाद जनेऊ हम भगवान श्री गणेश को पहनाएंगे। और जनेऊ पहनाने के बाद हम धूप घास भगवान श्री गणेश को चढ़ाएंगे। भगवान श्री गणेश को धूप घास बहुत ज़्यादा प्रिय है और धूप घास चढ़ाने के बाद हम लड्डू का भोग भगवान श्री गणेश को चढ़ाएंगे। आप चाहें तो बेसन का या फिर बूंदी का लड्डू भगवान श्री गणेश को प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी कुमकुम का तिलक माँ लक्ष्मी को लगाएंगे और उसके बाद हम लाल रंग का वस्त्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। और उसके बाद फूल माला माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे और उसके बाद फल माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके बाद मिठाई माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को आप बर्फी है कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम दक्षिणा माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे और दक्षिणा भगवान श्री गणेश को भी चढ़ाएंगे। और उसके बाद जो ये कौड़ी है, कमलगट्टा है और गोमती चक्र है, इन तीनों ही चीज़ों को हम माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। ये तीनों ही चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आप चाहें तो इनको दो दो या फिर पांच पांच माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक एक पीस माँ लक्ष्मी को चढ़ाऊँगी।
और उसके बाद हम फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। लाल रंग के फूल है, कमल का फूल है, माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी को लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और उसके बाद खिलौना हम माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर खिलौना और खीर दोनों का भोग माँ लक्ष्मी को लगा दिया है। और उसके बाद हम आचमन से जल लेकर एक बार भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के ऊपर थोड़ा सा छिड़केंगे। और उसके बाद हम हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी की स्तुति करेंगे, भगवान श्री गणेश की स्तुति करेंगे, उनको हम ध्यान करेंगे। और उसके बाद ये जो तेल वाला दिया है इसको हम प्रज्वलित करेंगे। दिए को प्रज्वलित कर लेने के बाद हम दिए को चौकी पर ही स्थापित कर देंगे। और ये दिवाली के दिन एक सरसों के तेल का दिया माँ लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर जलाया जाता है। तो अभी हम इसको नीचे यहीं पर रख देंगे। और उसके बाद हम दीप धूप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को इस तरीके से दिखाएंगे। और दीप धूप दिखाने के बाद हम आसमानी से जल लेकर थोड़ा सा चांदी के सिक्के पर छिड़केंगे। और चांदी के सिक्के को हम रोली चावल लगाकर तिलक करेंगे। थोड़ी सी खीर खिलौना चढ़ाकर हम फूल चढ़ाएंगे। और उसके बाद ये जो दो मीठे लगे हुए पान हैं इनको हम भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों को अर्पित करेंगे। और पान अर्पित करने के पश्चात हम हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की स्तुति करेंगे। पूजा करने के पश्चात हमें श्री गणेश अथर्वशीर्ष और श्री लक्ष्मी सोष श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो तेल वाला दिया लिया है, मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज का दिया जलाया है। आप चाहें तो बड़े साइज की दीवार जला सकते हैं, जो बड़े साइज का दिया होता है। और ये दिया पूरी रात जलता है, बट मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज का ही जलाया है। जहाँ पर भी स्याऊ माता की पूजा होती है, गोवर्धन महाराज की पूजा होती है, तो फिर ये दिया पूरी रात जलता है। और इसी दिए से स्याऊ माता और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। आपके यहाँ स्याऊ माता या फिर गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं भी होती है, फिर भी हमें दिवाली के दिन एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। आप चाहें तो छोटे साइज का दिया जलाएं, बट सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। और दिवाली की रात इस दिए के ऊपर थोड़ा सा हमें काजल पारना चाहिए। और उस काजल को हमें पूरे परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूजन के पश्चात इस दिए से काजल पार कर लगाने से हमारा जन्म छछुंदर के रूप में कभी नहीं होता है। और उसके बाद अब हम दिए को एक साइड में इस तरीके से रख देंगे। और उसके बाद ये जो दीपक हैं हम इनका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक पर थोड़ी सी रोली लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ये घी के पांच दिए लिए हैं और पांच दिए सरसों के तेल लिए हैं। जब भी आप दीपक जलाएं तो पांच दिए घी के अवश्य जलाएं। और आप सरसों के तेल के दिए कितने भी जला सकते हैं, 11, 21, 51, 101, जितने भी आप जलाना चाहें। और उसके बाद हम थोड़े से चावल लेकर और थोड़ी सी घी लेकर इस तरीके से हम दिए पर छोड़ देंगे। और थोड़ा सा फूल चढ़ाकर हम हाथ जोड़ लेंगे और दीपक को प्रणाम कर लेंगे। और तत्पश्चात हम इन दियों को प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दिए को प्रज्वलित कर लिया है। और उसके बाद हम और दीपक लेकर भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद हम माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। और आरती करने के पश्चात हम इसे अभी नीचे रख लेंगे। और उसके बाद हम एक आचमनी से जल लेकर दीपक के ऊपर इस तरीके से घुमाकर हम इस जल को जमीन पर छोड़ेंगे। और उसके बाद इस जल को हम अपने माथे से स्पर्श करेंगे। और आरती करने के पश्चात हम भगवान श्री गणेश की चरण वंदना करेंगे और माँ लक्ष्मी की चरण वंदना करेंगे। और हम उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे।
और पूजन करने के पश्चात फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर घी के 5 दिए जलाए हैं, उन दियों को हम अपने घर के पूजा घर में रखेंगे, अपने रसोई घर में रखेंगे और एक दिया तुलसा जी के पास रखेंगे। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर आप रोज़ पूजा करने जाते हैं, तो एक घी का दिया हम वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद दिया को हम अपने घर के कमरों में रखेंगे, आंगन में रखेंगे, बालकनी में रखेंगे, वॉशरूम, बाथरूम, हर जगह पर एक एक दिया जरूर रखेगा। घर के किसी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। और जो तेल वाले दिए हैं, इनको हम छत पर लगा सकते हैं, जीने पर कहीं भी आप रख सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि दिवाली पर भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कैसे की जाती है। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। एक बार आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माँ लक्ष्मी।